أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students of class 7th उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी एक और क्लास में आप सभी का खैर मकदम प्यारे बच्चों आज हम दो स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे एक ट्रायंगल जो है दैट इज इक्विलेटरल एंड अनदर इज आइसोसेलेस प्यारे बच्चों जो अ ट्रायंगल इन विच द थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे एक ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखते हैं यहाँ टेक टू कॉपीज ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए बी सी दिस इज फिगर 6.19 कीप वन ऑफ देम फिक्स्ड प्लेस द सेकंड ट्रायंगल ऑन इट ये एक ट्रायंगल एबीसी है ये भी एक ट्रायंगल एबीसी है तो एक को हमने फिक्स रखा है और दूसरे को उस पे डाला है पहली वाली ट्रायंगल पे इफ इट एग्जैक्टली इफ इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द फर्स्ट अगर ये पहली वाली में एग्जैक्टली फिट होती है टर्न इट राउंड इन एनी वे स्टिल दे फिट one another exactly are you also able to see that are you able to see that when the three sides of a triangle have equal lengths then their angles are also of the same size yith poet the us yim ze triangle akh gis pet thavuk they will overlap each other kyunki जब दो ट्रायंगल्स के सभी साइड्स का मेजर बराबर होता है सभी साइड्स की लेंथ बराबर होती है तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं सो वी कंक्लूड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं इसमें सभी साइड्स जो हैं बराबर उनकी लेंथ बराबर होती है और दूसरा है जो ईच एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 60 डिग्री जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हर एंगल का मेजर क्या है 60 डिग्री हर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री होता है वी कैलकुलेट दैट तो इसे हम ये आकस करते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है इसमें सारी साइड्स जो हैं ऑल साइड्स इक्वल और दूसरा है ऑल एंगल्स जो होते हैं इज इक्वल टू 60 डिग्री इसके सभी एंगल्स जो हैं 60 डिग्री होते हैं अब हम आगे चलेंगे अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ये अब आप इसको देखिए अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसे आप ये देखते हैं यहाँ पे ये साइड और ये साइड जो है यानी एक्स वाई और एक्स जेड ये इक्वल हैं इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई और एक्स जेड जो हैं ये इक्वल हैं सो फ्रॉम अ पीस ऑफ पेपर कट आउट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई तो एक पेपर आप लीजिए इसमें एक्स वाई जेड ऑफ एक कागज सी एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल काटिए आप जिसमें एक्स वाई एक्स जेड के बराबर है एक्स वाई एक्स जेड के जैसे यहाँ पे दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज एक्स जेड तो ये फिगर 6.20 में फोल्ड इट सच दैट जेड लाइज ऑन वाई इसको इस तरह फोल्ड कीजिए कि ये जेड जो है ये वाई पे पड़े जेड लाइज ऑन वाई
देन द लाइन एक्स एम, जो यहाँ पे लाइन एक्स एम बनती है, इज नाउ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच यू विल रीड इन चैप्टर फोर. यू विल फाइंड दैट ये जो है वाई और जेड फिट ऑन ईच अदर एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एक दूसरे पर पड़ जाते हैं. सो एक्स वाई एंड एक्स जेड आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स. ये एक्स वाई और एक्स जेड जो हैं इनको हम अपोजिट साइड्स कहते हैं. एक्स वाई एंड एक्स जेड यहाँ पर जो है, यू फाइंड दैट एंगल वाई सिमेट्री ऑफ दिस, यू फाइंड दैट एंगल वाई एंड एंगल जेड फिट एग्जैक्टली ईच अदर. एक्स वाई एंड एक्स जेड आर कॉल्ड इक्वल साइड्स, नॉट अपोजिट साइड्स, सॉरी, दिस आर इक्वल साइड्स. ये एक्स वाई और एक्स जेड जो हैं ये इक्वल साइड्स हैं, और वाई जेड इज कॉल्ड बेस. ये वाई जेड जो है ये इसका बेस है. और एंगल वाई और एंगल जेड जो हैं आर कॉल्ड बेस एंगल्स एंड दे आर ऑल्सो इक्वल. ये एंगल वाई और एंगल जेड जो हैं ये बेस एंगल्स हैं, और ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है. अगर मैं इस तरह बनाऊंगा, एक ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, दिस इज ए बी सी, दिस इज आइसोसेलस ट्रायंगल, ये एंगल, ये साइड और ये साइड इसमें बराबर हैं. तो अगर हम इसको टर्न करेंगे, ये सी बी पे पड़ना चाहिए, सी गज पे बी एस पे. तो पथ यूस फॉर एग्जांपल इस तरह ये तक ए डी, ए डी यूस यूस ये बेसिस करन दोन हिस्सन में, जैसे उस पे एक्स एम था थ्रू एक्स, नाउ एक्स इज सिमेट्री जिस कॉल्ड दिस, यू विल रीड इन चैप्टर 14, यू विल फाइंड दैट एंगल वाई एंड एक्स फिट ईच अदर एग्जैक्टली. यहाँ एंगल बी और एंगल सी जो है ये एक दूसरे को एग्जैक्टली फिट करते हैं, और यहाँ पे जो ए बी और ए सी हैं ये इक्वल साइड्स हैं. इसी तरह जो यहाँ पे बी सी है ये बेस है, और एंगल बी और एंगल सी जो है इन्हें बेस एंगल्स कहा जाता है, और ये भी इक्वल हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या कंक्लूड किया कि टू साइड्स हैव सेम लेंथ, इसके दो साइड्स. सो वी कंक्लूड दैट दिस, सॉरी, आइसोसेलस ट्रायंगल, नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, आई विल मेक इट क्लियर. आइसोसेलस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन आइसोसेलस ट्रायंगल के सिर्फ दो साइड बराबर होते हैं, टू साइड्स हैव सेम लेंथ, और बेस एंगल जो है, जो बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट बेस एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो ये है इसके बारे में आइसोसेलस ट्रायंगल. पहला ये कि इसके दो साइड्स जो हैं बराबर होते हैं, टू साइड्स आर इक्वल. दूसरी बात आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में, जो बेस एंगल होते हैं, बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. बेस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर लिखा भी है. और अब चलिए हम आगे चलते हैं पहले बच्चों. तो यहाँ पे फाइंड द एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. पहले बच्चों यहाँ पे जो है एक ट्रायंगल बनाई गई है, इसका ये साइड और ये साइड जो है आपस में बराबर हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये साइड और ये साइड जो है, ये दो साइड आपस में बराबर हैं. तो अब जो ये एंगल और ये एंगल है इसको बेस मानते हैं, और ये इक्वल होते हैं. अगर ये 40 डिग्री है, तो अब अगर एक्स हमें निकालना है, तो ये वाला एंगल जो है दिस इज़ 90 डिग्री. तो हम कहेंगे एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और हम जानते हैं कि ये 180 डिग्री के बराबर होता है. तो
x इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे 180 माइनस 90 माइनस 40। तो हम लिखेंगे दिस इज 180 माइनस 90 130। तो ये x वाला कितना आएगा 190 40 इज 100। इफ दिस एंगल विल बी x विल बी 40 डिग्री सिंपली बिकॉज बोथ द बेस एंगल्स आर इक्वल सो x इज 40 डिग्री। मैं वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है सिंस बेस एंगल्स आर इक्वल तो x क्या होगा 40 डिग्री होगा। ये जब है बेस एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो इक्वल ये भी लिख सकते हैं सिंस बेस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 डिग्री। ज़्यादा x क्या आएगा 40 डिग्री। इसी तरह ये वाला जो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल है तो अब जो इक्वल साइड इसके अपोजिट एंगल है एक साइड तो ये है इसका अपोजिट एंगल ये है और दूसरा साइड ये है इसका अपोजिट एंगल ये है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे पार्ट में एक्स प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट्स एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180 एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ एक्स 90 निकलेगा और इसी तरह अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड बराबर है इस साइड का अपोजिट एंगल 50 है और इस साइड का अपोजिट एंगल एक्स है। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं अगर वो 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। इसी तरह अब इसको देखिए ये एक्स ये इस साइड का ये भी एक्स होगा तो एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। इस वाली ट्रायंगल में हम लिखेंगे एक्स प्लस एक्स क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये बेस यहाँ पे है ये बराबर है प्लस 100 ये तीनों 180 डिग्री के बराबर हैं और 2x प्लस 100 ये 180 आएगा 2x इज इक्वल टू 100 माइनस 80। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 100 x इज इक्वल टू 100 बाय 2 तो ये 50 आएगा। जब ये वाला भी ये x 50 होगा ये भी 50 होगा तो 100 तो फिर ये वाला जो है ये 80 आएगा दिस इज 180। सो डियर स्टूडेंट्स वी कैन सॉल्व ऑल दिस पार्ट्स ईजिली। सिमिलरली वी हैव फाइंड एंगल x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले अगर हम इन दो को देखेंगे ये इस साइड का अपोजिट एंगल है और ये इस साइड का अपोजिट एंगल है ठीक है। तो हम अगर कहेंगे कि यहाँ पे ये जो है ये एंगल भी वाई होगा एक पार्ट हम इसका करेंगे ये एंगल भी वाई होगा तो अगर हम इन दो को लीनियर पेयर बनाते हैं तो हम कहेंगे वाई प्लस प्लस 120 इज 180 वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 120 वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये जो वाई 60 यहाँ पे आया अब जो ये 60 है तो ये भी 60 होगा अब ये 60 प्लस 60 120 तो ये क्या आएगा
ये भी 60 होगा, तो ये तीनों एंगल जो है 60 डिग्री आएंगे। आगे चलते हैं हम, सम ऑफ द लेंथ्स, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ए साइड। चलिए देखते हैं कहाँ पहुँच गए, 15 मिनट का ये बन गया। तो ये वीडियो, आई थिंक डेयर स्टूडेंट्स इट इज़ इनफ फॉर टुडे, होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो विद कंसंट्रेशन एट होम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल। In case you face any problem in solving the questions, you can contact me. I will be always available to clear your doubts. Thanks. Stay safe, stay home, and stay blessed.